गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ मोना फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके देन स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक द हिमालय रिवर्स of chapter number 3 and we have complete our part number 1 of this chapter. Okay, let's start now. But before this we have to know what are the drainage patterns. In our previous lecture we have read about what is drainage patterns. Okay, but how to make the drainage patterns by the rivers. Okay, let's start now. Drainage patterns. Yes, the streams with a drainage basin from certain patterns. जब एक river या एक stream जब बहती है तो वो एक different type का, मतलब सभी rivers जो है अपने अलग अलग तरह के जो है patterns create करती है, patterns बनाती है depending on the slope of land. और वो किस पे depend होता है कि land का slope कितना है, underlying rock structures means rock structures पे, as well as the climatic conditions of the area means कि वहां का स्लोप कैसा है, रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है उस एरिया की. ओके, देन दीज आर द डेंड्रिटिक ट्रेलिस and rectangular and radial patterns. These are the four patterns are here. Let's discuss about the first pattern. Okay, first is dendritic drainage. तो dendritic drainage आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, मेन स्ट्रीम है, ट्रिब्यूटरी है, बट मैं आपको इजिली जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब एक रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ एक ट्री शेप की फीचर्स क्रिएट करती है, ट्री शेप का पैटर्न बनाती है, तो उसको हम कहते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न. ओके, जैसे कि मान लो आप गंगा रिवर को मान के चलो, ये मेन गंगा रिवर है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जिसमें आके ज्वाइन कर रही हैं, तो ये कैसा बन गया, ट्री टाइप का पैटर्न. ओके, तो इसको हम कहेंगे डेंड्रिटिक ड्रेनेज. मीन्स जब डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन एंड द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, दस द नेम डेंड्रिटिक. ओके, द सेकेंड इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज. रेक्टेंगुलर ड्रेनेज क्या होता है, सिंपली जो एक जो रिवर्स है, अदर रिवर्स जो है ट्रिब्यूटरीज है, वो 90 डिग्री पे आके जब मिलती है किसी मेन रिवर में, तो मींस कि वो कम्प्लीटली एक रेक्टेंगुलर शेप बनाती है. ओके, लाइक दिस, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. द थर्ड इज ट्रेलिस ड्रेनेज. ट्रेलिस ड्रेनेज और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज जो है थोड़ा थोड़ा मतलब सिमिलियर है ये, बिकॉज ट्रेलिस ड्रेनेज भी इसी तरह का पैटर्न क्रिएट करता है और रेक्टेंगुलर शेप भी. ओके, दैट इसमें क्या होता है कि ए रिवर ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स, मीन्स इसमें भी एक तरह से 90 डिग्री पे ही जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन करती हैं, पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर. इसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली मतलब एक रॉक दूसरी रॉक के साथ पैरेलल होती है, तो उसमें जैसे एक रॉक हार्ड है, देन नेक्स्ट सॉफ्ट, नेक्स्ट हार्ड, नेक्स्ट सॉफ्ट. ओके, तो इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं. इसमें सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स दोनों ही मिक्स जो है रॉक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. द फोर्थ इज रेडियल ड्रेनेज. रेडियल ड्रेनेज कैसे होता है, जैसे कि एक इसको हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली डेवलप्स वेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, फ्रॉम ए सेंट्रल पीक और डोम. डोम मीन्स एक तरह से एक ऊंचा इस तरह से उठा हुआ, जैसे सेंट्रल अपलिफ्ट है ये, तो गुंबद के आकार का कोई शेप क्रिएट करे, तो इसमें जैसे ये सेंट्रल अपलिफ्ट है और यहां से एक मेन स्ट्रीम अगर बह रही है, एक ड्रेन कर रही है, तो यहां जैसे सेंट्रल अपलिफ्ट है, बीच में ऊपर उठा हुआ है, और यहां से जैसे एक रिवर डिफरेंट डायरेक्शन में बट जाती है, इधर भी बह रही है, इधर भी ड्रेन कर रही है, इधर भी. ओके, मीन्स द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम ए सेंट्रल
पीक, एक ऊंची चोटी से या एक बीच में एक गुंबद के आकार का डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करती है, और वहां से वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने पानी को फ्लो करती है. ओके, दीज आर द फोर पैटर्न्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिमालय रिवर्स. देन द मेजर हिमालय रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. हमारी जो मेन हिमालय रिवर्स हैं, हिमालय रिवर्स हम किसको कह रहे हैं, विच ओरिजिनेट बाय द हिमालयस. ओके, गंगा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. ये लंबी नदियां हैं तीनों, और ज्वाइन मतलब इनकी जो लार्ज और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो अभी हम डिस्कस करेंगे उससे ये ज्वाइंड होती है. मीन्स ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती है, और वो जो ट्रिब्यूटरीज भी इनमें मिलती है वो भी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं. ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम. मीन्स एक रिवर जब अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज के साथ बहती है, ड्रेन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर सिस्टम. मीन्स एक रिवर अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो जब करती है तो उसको हम रिवर सिस्टम कहेंगे, दैट बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम. नेक्स्ट, फर्स्टली लेट्स रीड अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. ओके, जस्ट लाइक इंडस रिवर सिस्टम, मीन्स फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंडस रिवर सिस्टम जो है कहाँ से राइज होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है. ओके, देन द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मान सरोवर फ्लोइंग वेस्ट इन इट एंटर्स इंडिया इन टू इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मीन्स की जो इंडस रिवर है वो राइज होती है तिब्बत से, कहाँ से, एक तरह से जो मानसरोवर झील है, नियर मान लेक मानसरोवर तिब्बत में, ठीक है, वहां से ये जो है कंप्लीट ओरिजिनेट करती है एंड फ्लोइंग वेस्ट और पश्चिम की तरफ ये बहती है. इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जम्मू कश्मीर से, ठीक है. देन इट फॉर्म्स ए पिक्चराइज गोर्स इन दिस पार्ट. इस ये यहाँ पे ये क्या करती है कि एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय जो है गोर्स का निर्माण करती है इस पार्ट में. दर्शन मैंने आपको बताया था, गोर्स इज मतलब एक तरह की नदी जो है पहाड़ों के बीच से जब निकल के अपना रास्ता बना लेती है तो उसको हम कहते हैं गोर्स. ओके, एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द न्यूब्रा, द श्योक एंड द हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन. और इसकी जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कर, न्यूब्रा, श्योक एंड हुंजा, वो इसको ज्वाइन करती है कश्मीर रीजन में. द इंडस फ्लोज थ्रू बलूचिस्तान एंड गिलगित एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक. अब इसमें क्या है कि जो ये इंडस रिवर है बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटोक में माउंटेनी रीजन से ये एमर्ज बाहर निकलती है. द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टूगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान. सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम आपस में मिलके ये मिठानकोट के पास पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है. ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस मीन्स ये वहां पे एंटर कर जाती है, और वो कहाँ पे मिलती है, पाकिस्तान में, ठीक है, मिठानकोट के पास. इसके बाद क्या होता है कि द बियॉन्ड दिस, इसके बाद द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. इंडस रिवर जो है दक्षिण की ओर बहती है, साउथ की ओर बहती है, रीचिंग द अरेबियन सी, और फिर ये कराची से, ईस्ट ऑफ कराची, कराची से होते हुए पूर्व की ओर जो है अरेबियन सी में मिल जाती है. अरेबियन सी में यहां पे मिल गई. अब है द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप. जो इंडस प्लेन का जो ढाल है वो बहुत धीमा है, बहुत जेंटल है. ओके, एंड सिंधु नदी जो है, द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप एंड विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स. ऑफ द वर्ल्ड 2900 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, और ये हमारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक मानी गई है, लंबी नदियों में से एक है. ओके, ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान.
इसका जो पार्ट है एक तिहाई हिस्सा वो इंडिया में लोकेट है, इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, एंड रेस्ट इन द पाकिस्तान, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में. देन लेट्स वी डिस्कस अबाउट ए इम्पोर्टेंट टर्म. अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ट्रीटी जो ये हुई थी ये संधि, इसके अकॉर्डिंग इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर सिस्टम. मीन्स इंडस रिवर सिस्टम का या इंडस रिवर का ओनली 20% वाटर ही इंडिया यूज कर सकता है. ओके, इंडस रिवर का. दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान. अब ये रिवर कहाँ यूज, ये जो वाटर है ये कहाँ यूज होता है, इरिगेशन पर्पज से, पंजाब, हरियाणा, साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान. ठीक है, बाकी का जो 80% है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी पाकिस्तान उसको यूज करेगा. ओके, 80% पाकिस्तान और 20% इंडिया. नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.